जी प्रधान साहब कहें क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, जैसे कि मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि 25 तारीख को एक प्रोटेस्ट होगा हमारा अपनी पुरानी डिमांडों को लेकर। डिमांड जैसे पहली डिमांड थी हमारी 600 जो 2018 में जो फॉर्म फिल किए थे उनको कैजुअल करवाना, उसी के साथ साथ 600 लोग जिनमें से इन्होंने 535 लोग जो हैं वो परमानेंट किए, उनमें से कुछ हमारे साथी जो हैं वो भी वेटिंग लिस्ट में थे उनको लेकर हमने कहा कि जल्द से जल्द उनको भी परमानेंट किया जाए। साथ ही साथ कॉलोनी का इशू है जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारी डिमांड है कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी जगह में रह रहे हैं, उनके लिए एक कॉलोनी दी जाए। और जो इन्होंने यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन की है, हमारी अब ये डिमांड है कि जैसे श्रीनगर में एनजीओ सिस्टम जो है वो ख़त्म है तो जम्मू में भी एनजीओ सिस्टम को ख़त्म किया जाए और जितने भी मुलाजम हैं उनको डेली बेसिस किया जाए या परमानेंट किया जाए। जो पैटर्न इन्होंने श्रीनगर में रखा हुआ है हम चाहते हैं कि अगर स्टेट है एक है, अगर यूटी एक है तो जम्मू को भेदभाव से क्यों देखा जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कश्मीर में इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया है वही जहां पर दें, अगर वहां पर ज़्यादा है तो यहां कम किया जाए, अगर यहां पर ज़्यादा है तो यहां से कम कर लें, लेकिन एक ही स्टेट, एक ही झंडा, एक ही संविधान, एक ही स्टेट के रूल होने चाहिए। इसलिए मैं फिर से एक बार अपने मीडिया के माध्यम से अपने चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जो पैटर्न आपने श्रीनगर में दिया हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी उसी तरह से देखा जाए और जो जितने वहाँ पर